नेपाल में लंबे समय से जारी सियासी खींचतान के बीच एक ऐसा फैसला आया जिसने लंबे समय से चल रहे सियासी उथल पुथल पर पूर्ण विराम लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। 20 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने वहां की संसद को भंग कर दिया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ वहां के राजनेता जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम विवाद पर फैसला देते हुए ये कहा कि आखिरकार केपी शर्मा ओली को वहां की संसद को 13 दिन के भीतर बुलाना होगा और उन्हें स्पष्टीकरण लिखकर देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम बात कर रहे हैं नेपाल के सियासी संकट के बारे में, जहां पर लगातार सियासी खींचतान जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद से वहां पर जो माहौल बना है हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। नेपाल की सियासत में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड दोनों में फाड़ पड़ गया और वहां की पार्टी अब दो फाड़ में बढ़ चुकी है। इस अलगाव के बाद नेपाल की राजनीति को लेकर लोग चिंता भी जता रहे थे कि आखिर आने वाले समय में नेपाल में क्या होगा। दरअसल इस पूरी जो चिंता और ये जो पूरी रस्साकसी चल रही थी, इसके बीच जो खबर आज आई उसने इस बात की अटकलें जो थी वो साफ कर दी कि अब जो है नेपाल में सरकार काम करेगी। जी हाँ, 13 दिन के भीतर वहां की संसद को वापस से बुलाने का आदेश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से केपी शर्मा ओली का जो ग्रुप है उसको तगड़ा झटका लगा है। दरअसल चीफ जस्टिस चुलेंद्र शुमशेर जेबी राणा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले को पलट दिया और उसको असंवैधानिक करार दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी करके सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि वो संसद को अचानक भंग करने के अपने निर्णय पर एक लिखित स्पष्टीकरण दे। दरअसल जब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हुआ उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि अब वहां के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाएगा और वापस से पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल की सत्ता के नए सिरमौर हो सकते हैं। लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड कुछ करते इससे पहले ही केपी शर्मा ओली ने वहां की संसद को भंग कर दिया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो इस बात के जो कयास हैं वो बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं कि वापस से जब संसद आएगी और संसद का सत्र बुलाया जाएगा तब केपी शर्मा ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। दरअसल अगर ये ऐसा होता है तो केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से बचने के लिए उन्होंने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। इस वक्त नेपाल की सड़कों पर लोगों में काफी खुशी है। लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया है। अब सुनिए कि वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। यो जसरी हामीले संविधान ल्यायौँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्य र दायित्व हाम्रै थियो, हाम्रै काँधमा थियो। तर एकजना एक चाहिँ मान्छेको सनकको कारणले गर्दा जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो संविधानमाथि प्रहार भएको थियो त्यो संविधानलाई आज फेरि पनि जनताले ल्याएको संविधान जनताकै चाहिँ कारणले आज फेरि पनि स्थापित हुँदैछ। यो मुलुकमा न्याय छ, कानुन छ, संविधान जोगाउनको लागि युवा विद्यार्थी छ भन्ने कुरा पनि आज यो पुष्टि भयो र हामी अब यो मुलुकलाई अब समृद्धिको बाटोमा लानको निमित्त अब हामी सबै युवा विद्यार्थीको दायित्व रहन्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यस कारणले हामी सबै खुसी छौँ, यो म मात्रै होइन यहाँ हाम्रो सबै साथीहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनता खुसी छ भन्ने कुरा नै हो। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण नेपाली जनता, युवा विद्यार्थी, सम्पूर्ण जो संविधानलाई विश्वास गर्छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा नेपाली जनतालाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले फेरि पनि विधिको शासनलाई स्थापित गर्दैछौँ। यो हाम्रो भविष्यको निम्ति, आउने पुस्ताको भविष्यको निम्ति यो धेरै नै राम्रो कुरा हो। त्यस कारणले हामी यो हाम्रो जित सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताको जित हो। दिस इज द ग्रेट भिक्ट्री अफ द पिपल, नेपाली पिपल। दिस इज द ग्रेट भिक्ट्री अफ अल दोज पिपल हु स्टुड अगेन्स्ट दिस काइन्ड अफ स्टेप, अनकन्स्टिट्युसनल स्टेप। एन्ड नाउ आई थिङ्क द ओन्ली अप्सन द्याट इज लेफ्ट फर केपी ओली इज टु रिजाइन फ्रम हिज पोस्ट एन्ड एक्सेप्ट अल द कन्स्टिट्युसनल थिङ्स ही हेज टु एक्सेप्ट द अर्डर गिवन बाई द सुप्रिम कोर्ट। इस पूरी लड़ाई में जो हीरो बनकर सामने आए वो थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। उन्होंने केपी शर्मा ओली के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा था क्योंकि उनको अध्यक्ष के पद से, पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जब फैसला आ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो सकते हैं।